press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब बाय राकेश पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं दिल्ली पुलिस के बारे के अंदर। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के अंदर बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के पदों के लिए बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है। दोस्तों, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कैसे करें, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में विस्तार से देने वाला हूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर ले ताकि आप देख सकें हर एक सरकारी नौकरी की ताज़ा अपडेट सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके अंदर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के पदों के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 1 अक्टूबर 2019 से, और आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी इसके लिए 30 अक्टूबर 2019। दोस्तों, ये विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। ओनली फॉर इसमें इंडियन सिटीजन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, वेतन आपको दिया जाएगा 25,500 रुपये से 81,100 रुपये पर मंथ। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। दोस्तों, फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम वीडियो के अंदर। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टों का नाम है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसके लिए मेल कैंडिडेट इसकी वैकेंसी टोटल 372 है, जिसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी इनके लिए अलग अलग वैकेंसी है। दोस्तों, दूसरा फीमेल कैंडिडेट, इसके लिए टोटल 182 वैकेंसी है। इस प्रकार से दोस्तों टोटल 554 पदों के लिए आपको आवेदन करना है। दोस्तों, वेतन 25,500 रुपये से 81,100 रुपये वेतन दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आगे है एज लिमिट, जो कि दिनांक 1 जुलाई 2019 को 18 से 25 साल एज लिमिट होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें कैटेगरीज वाइज एज में छूट दी जाएगी, जिसमें ओबीसी कैटेगरी के लिए 28 साल, एससी एसटी के लिए 30 साल रखी गई है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी जिनके लिए 35 साल रखी गई है, बाकी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 38 साल, 40 साल इसमें छूट दी गई है। दोस्तों, विडो, डिवोर्स वोमेन, जो विधवा और जो डिवोर्स जिनको ले रखा है, उन महिलाओं के लिए एज लिमिट 35 साल रखी गई है। बाकी उनको भी कैटेगरीज वाइज अलग अलग छूट दी जाएगी एससी एसटी ओबीसी के आधार पर। दोस्तों, एप्लीकेशन फीस पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा, जिसके अंदर आप एसबीआई चालान, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई भी यूपीआई के द्वारा आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं एज लिमिट 18 से 25 रहेगी, जिसमें जो कि 1 जुलाई 2019 को, जिसमें एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल की छूट है, ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की छूट है, पीडब्ल्यूडी जनरल ईडब्ल्यूएस को 10 साल की, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 साल, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 15 साल। इस प्रकार से दोस्तों इसमें स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी एज लिमिट 30 साल रखी गई है, और स्पोर्ट पर्सन एससी एसटी 35 साल, स्पोर्ट पर्सन जो वोमेन, विधवा और डिवोर्स प्राप्त औरतों के लिए भी 35 साल एज रखी गई। इस प्रकार से अलग अलग ये कैटेगरी वाइज एज लिमिट रखी गई है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन दिया है, वो आसानी के साथ देख सकते हैं। दोस्तों, वहीं अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवारों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। साथ ही दोस्तों, इसके अंदर टाइपिंग का ज्ञान भी होना चाहिए, जो कि 30 वर्ड पर मिनट के आधार पर टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी टाइपिंग की स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। दोस्तों, फिजिकल एज्योरेंस टेस्ट इसके अंदर होगा, जिसके अंदर मेल कैंडिडेट के लिए जो कि 30 ईयर्स एज जिनकी है, उनको 7 मिनट 1600 मीटर की जो रेस होगी उसका टाइम 7 मिनट रहेगा। लॉन्ग जंप 12.5 फिट और हाई जंप 3.5 फिट रहेगा। अब वो जो 30-40 साल से जो ऊपर हैं उनके लिए 8 मिनट 1600 मीटर की रेस रहेगी, 11.5 फिट लॉन्ग जंप और 3.5 फिट हाई जंप रहेगा। इस प्रकार से जो 40 साल से ऊपर के कैंडिडेट हैं उनके लिए 9 मिनट का टाइम दिया गया है इसके रेस के अंदर, और 10.5 फिट इसके इनका लॉन्ग जंप रहेगा और 3 फिट हाई जंप रहेगा। इसी प्रकार जो फीमेल कैंडिडेट हैं जो 30 साल से ऊपर हैं उनके लिए 800 मीटर की रेस रहेगी, 5 मिनट का टाइम रहेगा, साथ 9 फिट लॉन्ग जंप और 3 फिट हाई जंप। जो
30 से 40 साल की महिलाएं, उनके लिए 6 मिनट का टाइम रहेगा 800 मीटर रेस के लिए, और 8 फिट लॉन्ग जंप और 2.5 फिट हाई जंप। और जो 40 साल से ऊपर की महिलाएं, उनके लिए 7 मिनट का टाइम रहेगा 800 मीटर रेस के लिए, और लॉन्ग जंप 7 फिट और 2.5 फिट इनके लिए हाई जंप रहेगा। दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर रहेगी। बाकी ये जो कैंडिडेट हैं उनको इसमें छूट दी जाएगी, जिसमें गोरखा, मराठा, कुमाऊ, डोगरा, इनको इसमें छूट दी जाएगी हाइट में। फ्रेंड्स चेस्ट रहेगा, चेस्ट 78 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर चेस्ट रहेगा, जो कि मिनिमम 4 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। फ्रेंड्स फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर रहेगी, बाकी 5 सेंटीमीटर की इसमें छूट दी जाएगी इन उम्मीदवारों को, जो हिल एरिया के उम्मीदवार हैं, गोरखा, मराठा, इनको। एससी एसटी कैंडिडेट और डॉटर्स ऑफ सर्विस, जो रिटायर्ड सर्विसमैन हैं, उनकी पुत्रियों को इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। फ्रेंड्स आगे है एप्लीकेशन फ़ीस, जिसमें मेल कैंडिडेट जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप विभाग की वेबसाइट है, इसके ऊपर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। जो वोमेन कैंडिडेट हैं और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, इनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। तो दोस्तों ये दिल्ली पुलिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसकी जानकारी हमने आपको दी। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ के साथ ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आप देख सकें हर एक सरकारी नौकरी की ताज़ा अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों।